सज्जनता, सरलता और विद्वता की मृत्युमूर्ति। माननीय, नमस्कार आदरणीय। आज हम लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो इस ब्रह्मांड में बहुत ही बड़े आध्यात्मिक लोगों में होती है। कल हमने इसी विषय पर बात की थी। पहली आदत जो थी उनमें वो सकारात्मक सोच की बात थी। आज उसी कड़ी में हम दूसरी आदत की बात करेंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो दूसरी आदत है लगातार सीखने की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। जैसा हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी बोल गए हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल ठोकर खाने से आती है। तो हाईली स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं उनमें सीखने की इच्छा जागृत हो जाती है। वो हमेशा सीखना प्रारंभ रखते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे सब कुछ पता है, अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये जान जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में सीखने के लिए अपार संभावनाएं हैं। मैं तो कुछ भी नहीं अभी तक सीख पाया हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो उनके सीखने की जिज्ञासा उनमें प्रबल हो जाती है। अगर आप में भी यह सब हो रहा है, ये स्वभाव है, तो आप भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो जब ये लगने लगे कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ, उसके बाद फिर ये विचार आता है कि अगर मैं जो जानता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, अभी सीखने का विचार क्यों आता है। तो उसके बाद का जो विचार आता है वो आता है कि मैं हूँ कौन। बस यहीं से आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत हो जाती है कि क्या मैं धर्म से, नाम से, जाति से, रंग से, लिंग से या अपने पेरेंट्स से जो उन्होंने मुझे आइडेंटिटी दी है, असल में मैं वो हूँ या मैं कौन हूँ। ये जानना, यही हाईली स्पिरिचुअल लोगों में आदत बन जाती है और वहीं से उनके सीखने की कला, सीखने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। तो ये दूसरी आदत थी हाईली स्पिरिचुअल लोगों में। और जो तीसरी आदत होती है वो होती है कि अपने विश्वास से ही प्रश्न करना। इसके विषय में हम कल बात करेंगे। खुश रहिए, ये जीवन अनमोल है, हमेशा याद रखिए। और महत्वपूर्ण बात कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। नमस्कार, थैंक यू।